Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 9, Genes and Experience of PSY10, Neurological Basis of Behavior. And let's start our lecture. Mendelian genetics है first of all. तो Mendelian genetics एक Mendelian एक Austrian monk का नाम था, Johannes Mendel, जिन्होंने sweet peas यानी कि जो मटर के दाने हैं उन पर उन्होंने genetics को define किया था, और वहाँ से उन्होंने genetic concept की genetics में जो dominant genes होते हैं, जो recessive genes होते हैं, वो कैसे express होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने define की थी और ये experiment किया था उन्होंने. एंड देन उनकी जो कंक्लूजन था उनके एक्सपेरिमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने कंक्लूड किया था कि हेरिडिटी जो है वो ट्रांसमिट होती है, हेरिडिटेबल यूनिट्स होते हैं, जो जो आपका डीएनए है, जो जीन्स हैं, उससे आपकी हेरिडिटी ट्रांसफर होती है. एंड देन अगर बोथ पेरेंट्स अगर सेम ट्रेट एक्सप्रेस करते हैं तो देन ऑफस्प्रिंग में भी वही ट्रेट होगा, लेकिन जब दोनों पेरेंट्स का डिफरेंट जीन होंगे तो देन हाइब्रिड होगी एक फॉर्म, ठीक है, जिसमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स होगा. एंड देन डोमिनेंट ट्रेट्स की बात की थी उन्होंने. एंड देन जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं वो एक्सप्रेस ट्रेट होते हैं, यानी ऐसे ट्रेट्स जो आपके आपकी पर्सनैलिटी में एक्सप्रेस हों. रिसेसिव ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स हैं जो इनहेरिटेड तो हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं होते आपकी पर्सनैलिटी में, वो बैकग्राउंड में ही रहते हैं. जब वो एक्सप्रेस तभी होते हैं जब ऑफस्प्रिंग जो है वो एक रिसेसिव जीन दोनों पेरेंट्स से उसको मिले, देन वो एक्सप्रेस होते हैं. तो एक्सपीरियंस जो है वो कैन नॉट अफेक्ट द हेरिडिटी यूनिट, एक्सपीरियंस को अफेक्ट नहीं करता जीन्स को. नेक्स्ट है ह्यूगो डी वेरिस का, इनका कॉन्सेप्ट है म्यूटेशन का. म्यूटेशन का लास्ट लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं. म्यूटेशन मीन आपके जो जीन्स में जो एक सडन चेंज आ जाता है, एक्सीडेंटल चेंज आ जाता है आपके जेनेटिक कोड में, जेनेटिक मटेरियल में, तो वो आपके ट्रांसमिट होता है ऑफस्प्रिंग में भी, नेक्स्ट जनरेशन में भी. तो ये आपकी म्यूटेशन है, यानी आपके जो जीन्स का सेट है, जीन्स मटेरियल जो है वो चेंज हो चुके हैं. देन म्यूटेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आती है, जिसमें आप म्यूटेशन को डिफाइन करते हैं. म्यूटेशन क्या है? आपका इनहेरिटेबल चेंज है, यानी आपके जेनेटिक मटेरियल का चेंज है जो कि आपके जो ओल्ड कॉम्बिनेशन है जीन्स का उसको शफल कर देता है, चेंज कर देता है, एंड देन वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी मूव होता है, हो जाते हैं. देन जेनेटिक म्यूटेशन डेफिनेशन हो गई. देन फर्टिलाइजेशन इमिजिएटली, फर्टिलाइजेशन के आफ्टर जो सेल डिवाइड स्टार्ट डिवाइडिंग यानी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें जो सेल डिवीजन होती है, देन क्रोमोसोम्स वो रिप्रोड्यूस होते हैं जाइकोट में, और सेल डिवीजन जो होती है उसमें मियोसिस कहते हैं, एंड माइटोसिस जो है वो प्रोसेस है सेल डिवीजन का जो कि जाइकोट में होता है. देन टू जो जीन्स हैं एट वन लोकेशन उनको एलेलेस बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं ये वाले. इफ एलेलेस जो है वो सेम लोकेशन पे हों, सेम हों दोनों पेरेंट्स में, तो वो एक जो न्यूली फॉर्म जाइगोट होगा वो होमोजाइगोस होगा. लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स में डिफरेंट पेयर्स में डिफरेंट लोकेशंस पे हैं जीन्स जो हैं, तो वो उनमें जो फादर और मदर में, तो वो जीन्स जो है नेक्स्ट जो है वो जाइगोट जो है वो हेटरोजाइगस होगा, और जिसमें एक जो है वो डोमिनेंट होगा और दूसरे जो है रिसेसिव जीन्स होंगे. एंड देन डीएनए क्या है? डीएनए इज हेरिडिटी इज ट्रांसफर्ड थ्रू डीएनए, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें इट इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स, जिसमें आप सिंपल शुगर्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, फोर न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, एडीनाइन, गाइनाइन, थायमाइन एंड साइटोसाइन. ये इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है क्वेश्चन ये, और ये एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट हैं. एंड देन वॉटसन एंड क्रिक का वॉटसन एंड क्रिक का एक मॉडल है जो कि हेलिक्स मॉडल है, जो कि उन्होंने बताया है डीएनए की किस शेप में होता है, और उन्होंने टू स्ट्रैंड्स को उन्होंने डिफाइन किया कि हमारे जो टू स्ट्रैंड्स हैं वो रॉक के टू स्ट्रैंड्स की जैसे ही हैं, और उसे अटैच होती हैं चेन्स के साथ, फॉस्फेट्स के साथ, एंड डीऑक्सीराइबोज के साथ, तो ये एक लैडर की फॉर्म में वो बनता है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि डीएनए कैसे किस तरह बनता है, डीएनए क्या है, डीएनए की डिफाइन करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन डीएनए रेप्लिकेट करता है ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन, और सीक्वेंस जो है रिमेंबर होता है, उसकी कॉपीज जो है वो बनती हैं. अब डीएनए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डीएनए जो है वो सेल में होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है, तो वहां से वो कैसे बाहर जाता है? तो वो जो कॉपीज बनती हैं, जो प्रोटीन्स बनते हैं, वो सारे डीएनए से ही बनते हैं. तो डीएनए अपनी जो है वो, और जो आरएनए है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आरएनए आपका मैसेंजर है, वो आरएनए ही वो आपका डीएनए के मैसेज लेकर न्यूक्लियस से बाहर जाता है, बिकॉज डीएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता, तो वो आरएनए ही उसका मैसेज लेकर न्यूक्लियस से बाहर जाता है, और सेल सोमा में वहां पर राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं. और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं, तो राइबोसोम्स में होते हैं जो कि सेल सोमा में होता है. तो ये सारे जो डीएनए जो एमआरएनए है, जो मैसेंजर एमआरएनए है, वो लेकर जाता है मैसेज, लेकर जाता है राइबोसोम्स की जानिब, और राइबोसोम्स ही वो बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट डीएनए. तो इस तरह वो ट्रांसफर होता है मैसेज, जो टीआरएनए करता है यानी वो ट्रांसफर करता है वो अमीनो एसिड का
फॉर मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स के वो अमीनो एसिड्स बनाने के लिए आरएनए जो है वो ट्रांसफर करता है। देन बिहेवियर्स एंड जीन्स है कि बिहेवियर जेनेटिक्स में स्पेशलाइजेशन है, एम्स टू आइडेंटिफाई जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो आपका बिहेवियर है उसकी जेनेटिक बेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने न्यूरोलॉजिकल बेस पढ़ी थी, एंड देन आप जीन्स की तरफ जाने पर आ गए कि जीन्स के जो है जीन्स का क्या रोल है, जीन्स कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को, और इसमें जीन्स को स्टडी करना और ये सारा स्टडी करना, डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जीन्स की डेफिनेशन आपको पहले भी बताई थी, क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं जीन्स, और एलेल्स जो हैं वो आपके सेम लोकेशन पे होते हैं, सेम टू जो एलेल्स टू जीन्स में जो होते हैं वो सेम लोकेशन पे वो एलेल्स होते हैं। तो ये होमोजाइगस और हेटरोजाइगस भी आपको समझा दी है, और इसको आपने बस एक बार रीड करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, दिस इज वेरी मच ईजी। एंड देन एग्जाम्पल्स उसके लिए उन्होंने, अगर हेट्रोजाइगस होंगे डोमिनेंट होंगे जीन्स जो है, सिकल सेल एनीमिया की उन्होंने एक एग्जाम्पल ली है अफ्रीकन अमेरिकन में जो था, अगर रिसीवर जो है वो इसमें रिसीवर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता बियॉन्ड इन्फेंसी, यानी कि ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। सिकल सेल एनीमिया होता है जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो राउंड शेप में होते हैं, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें सिकल सेल की जो इस तरह के इन्होंने दिखाई है शेप, ये वाली होती है। तो इसमें ये है कि जो मलेरिया है इन्फेस्टेड एरियाज में ये सर्वाइव कर सकते हैं लोग, लेकिन जो कोल्डर एरियाज हैं क्लाइमेट जहाँ पे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए कंप्लीट रेड ब्लड सेल्स का होना लाजमी है, तो वहां पर ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते जिनका सिकल सेल एनीमिया है। एंड देन जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन ब्रीडिंग, अच्छा बस इज इन ब्रीडिंग, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी वही जो जीन्स जो है वो जेनेटिक पूल जो है वो आपका ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज होता है, वो कैसे हो सकता है, जो इंटरनेशनल मैरिजेज होती हैं आउट ऑफ योर फैमिली आउट ऑफ योर रिलेटिव मैरिजेज होती हैं, तो आपका जीन पूल जो है उससे इंक्रीज होता है और जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ती है, और उसके बहुत से फायदे हैं, बेनिफिशियल ये है, इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है, जिसमें कम्बिनेशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन इवन म्यूटेशन भी होती हैं, ठीक है, उसमें जो है वो बहुत से चांसेस कम हो जाते हैं आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होने के, एंड देन आपकी सर्वाइवल जो है सर्वाइवल का रेट बढ़ जाता है, आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो उस पर होता है इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें, यानी अडेप्टेशन की पावर जो आप में बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपके जेनेटिक पूल की वजह से हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से हैं, और दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड देन है आपकी इनहेरिटेंस का, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थ्री प्रिंसिपल्स हैं इंपॉर्टेंट, और ये आपके क्वेश्चन आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, देन ये अलग से ही एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं, ऐसे ट्रेट्स जो कि आपके जेंडर से लिंक्ड हैं, ठीक है, यानी आपकी जो जेंडर होगी वैसे ही वो ट्रेट्स होंगे, जैसे कि सेक्स लिंक्ड इज एक्स लिंक्ड, यानी कि एक्स पे ही आपका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है तो सेक्स जो ट्रेट होता है वो एक्स लिंक्ड होता है, यानी कि एक्स के साथ एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होता है, जैसे कि मेल्स हैं मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि टू उनके जो है एक्सेस होंगे, और एक्स जो है वो उनमें अगर वो अगर रिसेसिव जीन है वहां पे कोई तो वो उसको कवर कर लेता है, यानी कि जो वो डोमिनेंट नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो एक्स वाई है उसमें सिर्फ वाई ही है, जबकि एक्स एक ओनली जो है वो सेक्स लिंक्ड है, तो इस वजह से कोई रिसेसिव जीन है तो वो शो हो जाएगा, दिस इज द डिफेक्ट, कि वो फिर उसका जो डिफेक्ट होगा रिसेसिव जीन में वो शो हो जाएगा। तो ये चीज़ है, एंड देन फॉलोइंग ट्रेड्स आर सेक्स लिंक्ड, यानी कि जो आपके जेंडर से रिलेटेड जो आपके डिसऑर्डर्स हैं वो ये वाले हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हंटिंगटन सोरिया, टर्नर सिंड्रोम। सो नेक्स्ट इज टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स, कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स के, यहाँ पे मेल्स में ये ज्यादा इंसिडेंट होता है बिकॉज मेल्स हैव एक्स वाई क्रोमोसोम, तो एक्स एक ओनली ही जो एक ही है उनके पास, तो दैट्स वाई उनको जो रिसेसिव जीन है वो शो हो जाएगा, और जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं जो कि आपके फैमिली में हैं तो वो रिसेसिव जीन जो डिफेक्टेड जीन है वो शो अप हो जाएगा, और जो भी वो डिसऑर्डर है कोई भी हो सकता है उस बंदे को, ये चीज़ है। देन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स, ऐसे ट्रेड्स जो कि सेक्स यानी आपके जेंडर से इन्फ्लुएंस्ड हैं, और वो कौन से ट्रेड्स हैं, जैसे कि आप मेल्स में देखते हैं बॉल्डनेस होती है उनको, जो गंजापन है या जो भी फोरलॉक जो आगे के बाल उनके उड़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यानी ये फीमेल में नहीं देखने को मिलते, ये सारे मेल्स में ही होते हैं, दिस इज कॉल्ड दी सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स, यानी कि आपकी जेंडर का इन्फ्लुएंस होता है वो ट्रेड्स में शो अप होने में, यानी जितने आप वो जेंडर कौन सी, यानी आप मेल हैं तो वो आपके ट्रेड्स शो होंगे, अगर फीमेल के वो हैं स्पेसिफिक तो वो फीमेल के लिए शो होंगे, मेल में वो शो नहीं होंगे, तो दिस इज कॉल्ड द सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स की, यहाँ पर ये कॉमन है मेन में कॉमन है रादर देन फीमेल, और ये ट्रेड्स शो अप होते हैं मेन में, और नेक्स्ट
शो अप इन ऑल द सन्स ऑफ वुमेन हु हैज़ द ट्रेट, ठीक है, जिस वुमेन में ये सारे ट्रेट हैं वो सारे ही उनके बेटों में, सब बेटों में ये शो अप होंगे। तो ये है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, ऐसे ट्रेट्स जो कि जेंडर से इन्फ्लुएंस होते हैं और जो जेंडर होगी वो उसमें जो है वो ट्रेट्स शो होंगे। एंड देन सेक्स इन लिमिटेड क्या है, सेक्स लिमिटेड है ट्रेट्स जो एक्सप्रेस होते हैं इन वन बट नॉट इन द अदर सेक्स, यानी एक में वो एक्सप्रेस हो रहे हैं लेकिन दूसरे में एक्सप्रेस नहीं हो रहे। यहाँ पर ये है कि अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स जो है वो आपकी उसको डिफाइन करती है, जितने आपके हॉर्मोन्स होंगे, जैसे हॉर्मोन्स होंगे वैसे ही वो ट्रेट्स भी आपके बनेंगे, ठीक है। अगर आप मेल्स हैं तो आप में उस हिसाब से जो ग्रोथ ऑफ हेयर होगी या बियर्ड की जो होती है ग्रोथ होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी हॉर्मोनल्स जो है वो इसको कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपकी सेक्स लिमिटेड है, यानी कि वो आपका वो मेल का ही होगा, उसके जो हॉर्मोन्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्सप्रेस होंगी जीन्स। एंड देन फीमेल के लिए अलग है, इसमें एक मोंटेज ने जो एक रिपोर्ट किया था, एल्बिनिज्म वाज मोर इन फीमेल इन मेल्स सॉरी एज कम्पेयर टू फाइव फीमेल्स, यहाँ पे 95% जो है वो मेल्स में ज्यादा है एल्बिनिज्म। स्किन पिगमेंटेशन होती है, जैसे बाल आपके सफेद और पलकें सफेद होती हैं, तो वो ये सारी जो है वो मेल करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि मेल में ये ज्यादा है रादर देन फीमेल, यानी सेक्स लिमिटेड है, इसमें जेंडर जो है वो लिमिटेड है, एक सिर्फ मेल में ही पाए जाते हैं। देन एल्केप्टोनूरिया है, ब्लैक यूरिन है डिसऑर्डर, ये भी आपके जो है वो मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है रादर देन फीमेल। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन एमसीक्यूज और आई होप आई मेड इट क्लियर फॉर यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद अदर स्टूडेंट्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।